बिहार में भयंकर बाढ़ की प्रलय के बीच लोगों की जिंदगी नरक बन गई है और इस विनाश लीला में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि लोग जिंदा तो हैं पर ये जिंदगी जो ये लोग वहाँ जी रहे हैं ये किसी मृत्यु से कम नहीं है। किस तरह लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, भूख से तड़प रहे बच्चे की चिल्लाहट इस दिल दहला देने वाली त्रासदी की कहानी बयां कर रही है। वहां मौजूद लोग इन कराहटों को सुनने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। पैसे, अनाज और कई पीड़ित लोगों के अपने सभी बाढ़ के पानी में बह चुके हैं और क्योंकि इस घड़ी में हर किसी का हाल एक जैसा है तो लोग चाहकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बाढ़ पीड़ित लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी इन तस्वीरों में लोगों की तकलीफें कम होती हुई क्यों दिखाई नहीं पड़ रही हैं। पहली तस्वीर दिखा रही है भुखमरी, जिसके हाथों मजबूर होकर पीड़ित लोग वो काम कर रहे हैं जिसे करने की कल्पना भी शायद इन लोगों ने कभी नहीं की होगी। चारों तरफ भयानक बाढ़ में फंसे लोगों के बीच जैसे ही सरकारी सुविधाओं के जरिए खाना पहुंचता है, खाने के लिए लोग झपटना शुरू हो जाते हैं और इसी अफरा तफरी में किसी को खाना मिलता है तो किसी को खाना नहीं मिलता, लोग भूखे रह जाते हैं। इन वायरल हुई तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गौर हो कि तस्वीर में अपने पूरे परिवार के साथ केले के बनाए हुए नाव पर लोग दिन रात अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं किस तरह बाढ़ प्रभावित लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर किसी के मन में डर है इस बात का कि कहीं अगले ही पल बाढ़ की तेज धार उनकी जान के लिए काल बनकर ना आ जाए और वो पूरे परिवार के साथ काल के काल में ना समा जाएं। दो वीडियो ऐसे ही वायरल हुए जिसमें मौजूदा लोगों की आंखों के सामने रेलवे पुल बह गया, सड़क पानी के बहाव से टूट गई और आंखों के सामने जिंदगियां बहनी चली गई। पीड़ित लोग रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करते हुए बाढ़ के शांत होने की कामना कर रहे हैं। खैर, इस तरह की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने लोगों को डरा दिया है और त्रासदी की तो वो कहानी बता दी जिसकी कल्पना हमारे और आपके जैसे लोगों ने की ही नहीं होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।